वेलकम बैक टू आर्बिट्रेज सेंट्रल। होप यू आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ। अगर आप ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट ऑफ स्टॉक या एंजल ब्रोकिंग के थ्रू खुलवाना चाहते हैं तो उसके लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड की हुई है, आप चेक कर सकते हैं। मैंने दो वीडियो बनाई थी ऑप्शन चेन सिंप्लीफाइड करके, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये दो वीडियो थी, ऑप्शन चेन एनालिसिस सिंप्लीफाइड बाय एक्सेल ऑप्शन शीट एक, और ये दूसरी ये वीडियो थी। तो ये दो वीडियो में जो एक्सेल शीट प्रोवाइड की गई थी उसमें एरर आ रहे थे, जो एक्सेल शीट प्रोवाइडेड थी वो एरर मैंने सही कर दिया है। एरर क्यों आ रहे थे? क्योंकि जो NSE की जो नई वेबसाइट है उसमें खूब सारे चेंजेस हुए थे, उसके वजह से वो एरर आ रहे थे। एरर अभी भी आएंगे, बट उन एरर को कैसे ओवरकम करना है, आपको क्या क्या प्रोसेस यूज़ करना है, वो सब मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। ये वीडियो ज़्यादा बड़ी नहीं होगी, मैं इसमें आपको ये नहीं बताऊंगा कि एक्सेल शीट कैसे यूज़ करें, इस एक्सेल शीट का क्या बेनिफिट है, ये सब वो किसी और वीडियो में बताऊंगा। फ़िलहाल मैं आपको ये बताऊंगा कि ये एक्सेल शीट में अगर एरर आएगा आपको यूज़ करते वक्त तो आपको क्या करना है। तो पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर बैंक निफ्टी का मैंने ये ऑप्शन चेन खोल रखा है। तो यहाँ पर आप जब क्लिक करोगे सिम्बल्स में ऊपर जाओगे तो यहाँ पर निफ्टी का आ गया, राइट, वो अपडेट हो गया। फिर आपको बैंक निफ्टी का खोलना है, बैंक निफ्टी का आ गया, या फिर आपको किसी स्टॉक का खोलना है यहाँ पे उसका भी आपको दे देगा। यहाँ पे जो मैंने नीचे आप देख सकते हो, मैंने एक चीज़ ऐड की है यहाँ पे, ये उससे पहले ये देखिए ये एरर आ गया। तो जब भी ये एरर आए आपको कुछ नहीं करना है, बस कनेक्ट करते जाना है, कनेक्ट कनेक्ट, जितनी बार ये कनेक्ट के लिए आए ये आपको करना है, ये अपने आप सही हो जाएगा। दो तीन बार आपको कनेक्ट के लिए बोलेगा, आपको डायरेक्ट कनेक्ट कर देना है और कुछ नहीं करना है। तो यहाँ पे आप कोई भी स्टॉक या फिर कोई भी इंडेक्स का खोल सकते हैं। अब सेकंड चीज़, इसको ऑटो अपडेट के लिए, तो ऑटो अपडेट के लिए यहाँ पर ऑप्शन डाटा नीचे जाइएगा, ऑप्शन डाटा, फिर यहाँ पर डाटा में जाना है, यहाँ नीचे और क्लिक करें कनेक्शन प्रॉपर्टीज़, और यहाँ पे लिखा है रिफ्रेश एवरी 1 मिनट। तो मैंने यहाँ पे 1 मिनट का लगा रखा है, आप 3 भी कर सकते हो, 5 भी कर सकते हो, अपने हिसाब से जो आपको सही लगे वो कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं 3 कर देता हूँ। तो ये जो एक्सेल शीट है वो हर 3 मिनट में अपडेट होती रहेगी। अब सेकेंडली मैंने यहाँ पर क्या किया है, यहाँ पर आप येल्लो वाली चीज़ देखिए, चेंज इन OI, तो ये चेंज इन OI का टोटल है 16,86,420। सेम वे यहाँ कॉल साइड का OI कितना है वो इसका टोटल है, यहाँ पे भी पुट साइड का OI कितना है उसका टोटल है ग्रीन में, और येलो में पुट साइड का चेंज इन OI का टोटल कितना है वो है। अब यहाँ पे आप ये बीच में देख सकते हो एन चेंज OI, एन चेंज OI मतलब नेट चेंज OI। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, जो कॉल का चेंज इन OI था उसको पुट के चेंज इन OI से माइनस किया है, तो ये उसका सम है, और जो ये OI का कॉल का OI था इसका माइनस मैंने पुट के OI से किया है, तो यहाँ पे उसका टोटल है। इसको कैसे यूज़ करना है आपको पता होगा, अगर मैं अभी समझाने जाऊँगा तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो इसलिए मैं अभी इसको समझा नहीं रहा हूँ। अगर किसी को पता है तो आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हो, मैं उसको पिन कर दूँगा तो बाकी सब लोग रीड कर सकते हैं। ये एक्सेल शीट मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल के लिंक जो पिन मैसेज है उसमें भी पोस्ट कर दूंगा, और जो पुरानी जो दो वीडियो हैं उनके डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा इस वीडियो का लिंक, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं डाल दूंगा इस एक्सेल शीट की लिंक, तो आप उसको फ्री में डाउनलोड कर सकते हो, कोई पैसा आपको नहीं देना है। सेकेंडली मैं आपसे एक चीज़ चाहता हूँ, मैंने आपके लिए ये सब फ्री में प्रोवाइड किया है तो आप चैनल को प्लीज़ से प्लीज़ सब्सक्राइब करें, मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, मैं फिर से बोल रहा हूँ। और दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू एंड ट्रेड वेल।